रमजान महापर्व की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामल देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि रामलला 500 साल बाद अपने भव्य आसन पर विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां अयोध्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी। ऐसे में राम नगरी में सुरक्षा चाक चौबंद होने जा रही है। अयोध्या में सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज के बड़े बड़े अधिकारी लगातार दौरा भी कर रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता रहे। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहरा सख्त। सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगा हर शख्स। बाईस जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है। साथ ही तैयारी की जा रही है अयोध्या की सुरक्षा की। इसीलिए राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हर पल बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए तैयारी तेज हो गई है। राम मंदिर को लेकर सुरक्षा की जो तैयारियां हैं जोरों पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों पे, जो मंदिर का मुख्य द्वार है, एंट्रेंस है, वहां पर आला अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनका दौरा यहां पर लगातार जारी है और ये मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से सामंजस्य अलग अलग एजेंसियों के बीच में बैठाया जाए और किस तरीके से राम मंदिर जो परिसर है उसकी जो सुरक्षा है वह पुख्ता की जाए। जो ये मंत्रणा का दौर है काफी दिनों से चल रहा है और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है उसको देखते हुए ये अधिकारी हर लोगों से इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद रणनीति बना रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार जी हैं, ये जो मौका स्थल है मतलब कि राम मंदिर का जो एंट्रेंस है वहां पर ये दौरा करने आए हैं। दरअसल पुलिस की ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं उन तक उन पर आए, उनसे इनपुट ले और उसके बाद अपनी सुरक्षा की रणनीति बनाए। तो उसी अहम रणनीति के तहत यहाँ पर आईजी आए हैं और राम मंदिर जो का मुख्य एंट्रेंस है उस पर अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इन कैमरों से राम नगरी के प्रवेश द्वार से लेकर मठ, मंदिर और मुख्य मार्गों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों पर 24 घंटे नजर बनाए रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां बैठे यूपी पुलिस के जवान अयोध्या आने वाले और यहां से होकर जाने वाले हर शख्स पर निगाह रख रहे हैं। इसके साथ ही जरूरत के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। सुरक्षा के इन इंतजामों को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। हम लोग लगातार क्रमिक रूप से इसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपग्रेडेशन करते रहते हैं। हर विजिट में कुछ ना कुछ उसमें एक ट्रायल एंड एरर की चीजें चलती हैं और उद्देश्य ये रहता है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा को लगातार दृढ़तर करते हुए एक दृढ़तम करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन पर पहुंचने की कोशिशें रहती हैं और उसी में लगातार हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। रिहर्सल करने के बाद जो वीक पॉइंट समझ में आते हैं उसको और सुदृढ़ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 बड़ी सुरक्षा एजेंसियां राम नगरी के अलग अलग इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। इसके अलावा अयोध्या जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या आने वाली हर गाड़ियों की तलाशी करके ही एंट्री दी जा रही है। अयोध्या में यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती होगी। इसके अलावा आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस, एनआईए, एनडीआरएफ के जवान भी बड़ी संख्या में राम नगरी में मोर्चा संभालेंगे। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की यहां पर तैनाती है और जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी फोर्स है और इसके अलावा अर्धसैनिक बल है और इसके अलावा अलग अलग बल है।
तो आप ये खास तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो तैयारी है वो पूरी तरीके से मुकम्मल की जा रही है। अयोध्या की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये हर किसी को पता है, क्योंकि लंबे संघर्षों और इंतजार के बाद रामलला अपने धाम में वापस लौट रहे हैं। यही वजह है कि यूपी सरकार अयोध्या की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है। इसीलिए अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगा दिए गए हैं और उनमें सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही राम मंदिर सुरक्षा सलाहकार बीएसएफ के पूर्व डीजी के शर्मा भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने वहां सुरक्षा का जायजा लिया। राम मंदिर सुरक्षा को किस तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है, तस्वीरों में न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो आला अधिकारी है वो बात कर रहे हैं और के शर्मा है और यहाँ पर राम मंदिर सुरक्षा समिति के सुरक्षा सलाहकार, राम मंदिर जो परिसर के सुरक्षा सलाहकार है, पूर्व डीजी बीएसएफ है, ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनको अहम इनपुट स्थानीय पुलिस की ओर से दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक एक स्टेक होल्डर से बातें पूछी जा रही हैं, पता किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया जाए और किस तरीके से मंत्रणा की जाए। बेहद अहम ये तस्वीरें हैं क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें कोई भी चूक होना देना नहीं चाहते हैं। अयोध्या में सरयू नदी में भी सुरक्षा चाक चौबंद किए जा रही हैं ताकि नदी के रास्ते अयोध्या में कोई अवांछनीय तत्व आतंकी गतिविधियों के इरादे से एंट्री ना कर पाए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन को इस बात के भी निर्देश हैं कि सख्त पहरे का असर राम भक्तों पर नहीं पड़ना चाहिए और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले हर राम भक्त को सुविधाजनक तरीके से दर्शन पूजन का पूरा समय और पूरा मौका मिलना चाहिए। हम एक एक्सेस पॉइंट देख रहे हैं, जरा इसके बारे में न्यूज 18 इंडिया की टीम को आप बताइए क्या है ये एक्सेस पॉइंट। देखिए अभी ये डिटेल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये पैसेजेस लोगों के आने की सुविधा के लिए है। इसमें आने का मार्ग और जाने के मार्ग में कहीं कोई इश्यूज ना आए उसको लेकर के हम लोगों ने व्यवस्थाएँ की हुई हैं। हमारे जो स्कैनर्स हैं, हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं, हमारे DFMDs हैं और हमारे जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरह से इंस्टॉल रहे जिससे कि यहाँ पर एक अच्छी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो सके, उसको हम लोग लगातार समय पर रिहर्स कर रहे हैं और वही आगे की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। सेंट्रल फोर्सेस से कोऑर्डिनेशन का सभी से इसमें ऑलरेडी CRPF भी तैनात है, SSF भी है, PAC भी है और सिविल पुलिस के लोग भी हैं और सभी एजेंसी से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर और उसके आसपास का पूरा इलाका सख्त पहरे में रहेगा। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद भी अयोध्या में पहरेदारी सख्त रहेगी। जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में अयोध्या के कोने कोने को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। अयोध्या में सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम नगरी के आसमान में सुरक्षा एजेंसियों से ड्रोन मंडराते रहेंगे और इस दौरान अयोध्या में हर गतिविधि पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। अयोध्या का पहरा ड्रोन से कैसा होगा इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में येलो जोन का कंट्रोल रूम बनाया गया है जो पूरे अयोध्या शहर पर निगरानी रखेगा, 24/7 निगरानी रखेगा। मैं इस वक्त आपको वही येलो जोन दफ्तर के बाहर, कंट्रोल रूम दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये देखिए ये वो ड्रोन है जो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा और जाहिर तौर पर 100 मीटर की ऊंचाई पर पूरे अयोध्या पर यहीं से अयोध्या के जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो नज़र रखेंगे ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत परेशानी इनको नजर आए, कहीं से भी कोई अनप्रिडिक्टेड चीज इनको नजर आए तो तुरंत उस पर काबू किया जा सके। तो ये बड़ा ड्रोन इसी बिल्डिंग के ठीक ऊपर, कंट्रोल रूम के ठीक ऊपर उड़ाया जाएगा और उसके बाद
पूरे अयोध्या पर अयोध्या के पुलिस अधिकारियों की नज़र होगी और कहीं से भी कोई भी शख्स चाहे कोई भी गैरकानूनी काम करना या कोई आतंकी चाहे कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे दे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हर जगह अयोध्या पुलिस की नज़र होगी पूरे अयोध्या में और इसके अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाकायदे सीसीटीवी अयोध्या में इंस्टॉल किए गए हैं, उन सीसीटीवी के माध्यम से भी पुलिस की नज़र अयोध्या के कोने कोने में होगी। अयोध्या समेत पूरे देश के राम भक्त अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या एक ऐसा अनुष्ठान यहां पर किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई भी किसी भी तरह का कभी भी कोई विघ्न न आए। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ श्री अशर्फी भवन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास अनुष्ठान। अनुष्ठान में विशेष सुदर्शन वैदिक मंत्रों का उच्चारण। अनुष्ठान में दिन में 3 बार वैदिक मंत्रों का उच्चारण। रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ श्री अशर्फी भवन में इस समय कुछ इसी तरह से वैदिक अनुष्ठान हो रहा है। पीठ के अध्यक्ष जगत गुरु रामनुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य के मार्गदर्शन में बीते 1 महीने से विशेष सुदर्शन वैदिक अनुष्ठान हो रहा है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में जब रामलला विराजमान होंगे उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी वैदिक मंत्रोच्चारण के भी रंग में डूब गई है। लगातार पिछले 1 महीने से ये जो छात्र हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये छात्र मंत्रोच्चारण वैदिक रीति से कर रहे हैं और इसी कामना के तहत कर रहे हैं कि ठीक से अच्छे से जो रामलला विराजमान का कार्यक्रम हो वो संपन्न हो। जगत गुरु और श्री श्री धराचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में ये छात्र लगातार 1 महीने से दिन में 3 बार यह विशिष्ट वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये छात्रों की खास तौर पर जगत गुरु श्री श्री धराचार्य जी ने ये रीति तैयार की है, ये अनुष्ठान तैयार किया है। इस अनुष्ठान में दिन में 3 बार मंत्रोच्चार किया जाता है। इस विशेष सुदर्शन वैदिक अनुष्ठान का मकसद श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निर्विघ्न तरीके से बेहद भव्य रूप से संपन्न हो। देश एक ही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर श्री अयोध्या जी में प्रतिष्ठित हो और इसलिए विशेष करके 1 महीना से तो पंच सूक्त का पाठ है, पुरुष सूक्त का पाठ है जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और जिस वेद को वेद पारायण को सुन करके भगवान उठते हैं जगते हैं। तो एक तरह से भगवान विगत कई 100 वर्षों से शयन किए थे, प्रसुप्त अयोध्या थी, लेकिन अब वही भगवान इस वेद पाठ को श्रवण करके 22 तारीख को जग जाएंगे, उत्थान हो जाएगा भगवान का, तो सबको विशेष आनंद, सब पूरे लोगों का मंगल होगा। इसलिए हमारे यहाँ सरफी भवन पीठ में जो वैदिक बटुक ब्रह्मचारी हैं नित्य प्रति प्रातः मध्यान्ह सायंकाल स्वस्तिवाचन माने सारे जगत का, अपने देश का स्वस्ति माने कल्याण हो, इसके लिए
और भगवान को प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न होंगे तो सारे राष्ट्र के लोग प्रसन्न होंगे, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा हो, कोई त्रुटि कमी रहे तो उसकी भी पूर्णता हो, इसके लिए यहाँ शताधिक बच्चे भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने विराजमान हो करके प्रातः मध्यान्ह सायंकाल नित्य प्रति पंच सूक्त का पाठ पारायण कर रहे हैं। रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य की देखरेख में अशर्फी भवन में 40 से ज्यादा छात्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और खास वैदिक रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहे हैं। वैदिक रीतियों को ध्यान में रखते हुए यह अद्भुत वैदिक मंत्रोच्चारण खास तौर पर रामलला विराजमान के लिए तैयार किया गया है। अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बच्चे हैं जो लगातार ये वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये बताओ बेटा कि तुम ये कर रहे हो तो क्या सोचकर कर रहे हो? हम सोच के कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो भव्य बन रहा है उसमें सारे जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और जो हमारा राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, और जो हम एक मंत्र बोलना चाहते हैं, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, जय श्रीमन्नारायण। और मकसद क्या है इस मंत्रोच्चारण का? यहाँ 3 साल से रह रहे हैं और मंदिर का उद्देश्य है कि राम मंदिर, और यहाँ रोज पूजा पाठ होता है और पाठ भी होता है, सुस्तिवाजन का पाठ होता है, और यहाँ इसलिए मंदिर का पाठ हो रहा है कि राम मंदिर अच्छा भव्य बने। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और प्राण प्रतिष्ठा पूजन की शुरुआत 16 जनवरी को प्रायश्चित पूजन से शुरू हो जाएगी, जो 22 जनवरी को मृग शिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा। प्रतिदिन अलग अलग पूजन होगा। इस पूरे आयोजन के लिए 9 हवन कुंड को तैयार किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए 5 वेदियां बनाई जा रही हैं। पद्मिनी वेदी में भगवान की प्रतिमा के साथ पूजन के संस्कार होंगे। इस वेदी में विराजमान रामलला की मूर्ति ही रखी जाएगी। 200 कलश तांबे के पवित्र नदियों के जल के साथ प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा। प्राण प्रतिष्ठा की इस पूरी विधि में कोई विघ्न न आए, इसलिए प्रसिद्ध पीठ अशर्फी भवन में यह खास अनुष्ठान किया जा रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को ऐसे भी वैदिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो संकल्प और उद्देश्य, वैसे तो उद्देश्य इनका पढ़ाई का, पूजा पाठ का है, लेकिन एक महीने से जो अनुष्ठान चल रहा है इसका उद्देश्य ही है कि भगवान की प्रतिष्ठा में बहुत सारी विधि विधियां हैं, उसमें कोई कमी न रह जाए, त्रुटि न रह जाए, और भगवान खूब प्रसन्न हो, भगवान का वैभव मंगल बढ़े। मंगलम कौशलेन्द्राय महनी गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, ऐसा जो भगवान के लिए मंगला शासन किया गया है उस मंगला शासन के रूप में यहाँ भगवान की पूजा आराधना हो रही है। अयोध्या के अशर्फी भवन पीठ में भगवान लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, लड्डू गोपाल विराजमान हैं। इस भवन को सीताराम विलास भवन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण करीब 100 साल पहले हुआ था। इस सिद्ध पीठ से जुड़े लोग राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े रहे। हमारे बड़े महाराज जी अशर्फी भवन पीठ के संस्थापक पूज्य जगदाचार्य स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज राम राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष में प्रदान किया। ऐसे ही अशर्फी भवन पीठ में द्वितीय पीठ में विराजमान श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज थे, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, श्री राम मंदिर भव्य दिव्य बने इसके लिए पूरे देश दुनिया में प्रचार करते रहे, और इस अशर्फी भवन पीठ में अनावरत लगातार भगवान की पूजा आराधना श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु चलती रही, जन जागरण चलता रहा, और यहाँ करीब 100 वर्ष से लगातार
सैकड़ों हजारों गरीब अनाथ बच्चों को वेद पढ़ा करके अपनी भारतीयता का, अपने भारतीय संस्कृति का, अपने वैदिक परंपरा का और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु के जीवन से संबंधित मानवता का संस्कार पूरे देश दुनिया में यहाँ से निकले बच्चे प्रशिक्षित होकर देते रहे। अब वर्तमान में जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो अपना उद्देश्य यही रहेगा कि श्री रामायण का यहाँ अधिक से अधिक पठन हो। अयोध्या में ऐसे ही कई जगहों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। हर कोई अपने आराध्य के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। आपको रामलला के गर्भगृह के मुख्य दरवाजे को दिखाते हैं। सोने से जड़ा ये दरवाजा बनकर तैयार हो गया है। रामलला के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये सोने का दरवाजा है और इस पर खूबसूरत नक्काशी सबको आकर्षित कर सकती है। ये रामलला के गर्भगृह का जो मुख्य दरवाजा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने जा रही है 22 जनवरी को, लेकिन देखिए राम मंदिर का कोना कोना कितने भव्य तरीके से तैयार हो गया है। तो नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या से जुड़ी ये मुख्य द्वार की तस्वीर भी आपके सामने, जिसे देखना अपने आप में कहा जाता है कि आपके जीवन को सफल कर देता है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं मुख्य द्वार के। ये मुख्य द्वार है और ऐसे में इसको पूरे सोने से सजाया गया है। ये तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोने से जड़ा ये दरवाजा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए मुख्य द्वार और मुख्य द्वार की ये भव्य तस्वीर इस वक्त आपके सामने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चरम पर है, लेकिन राम मंदिर के कोने कोने की ये दिव्य दर्शन तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कण कण में राम को उकेरा गया है। और आराध्य राम के 500 से ज्यादा सालों के बाद अयोध्या लौटने की खुशी चारों तरफ नजर आ रही है। अयोध्या धाम को सजाने में जुटे राम भक्तों की तैयारियां दिखने लगी हैं। राजा राम की नगरी का कोना कोना राममय नजर आने लगा है और राम धुन 24 घंटे अयोध्या में अमृत वर्षा कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण को विहंगम बनाने के लिए देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को न्योता भेजा जा रहा है और राम की नगरी के साथ ही पूरे देश को राम के वापस लौटने की खुशी में दीपावली जैसा जश्न मनाने की तैयारियां भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। बाईस जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला के विराजने से पहले अयोध्या धाम राममय हो रहा है। पांच सौ सालों के इंतजार के बाद जब राम आएंगे तो उन्हें भी अयोध्या में हर कोई भक्ति में डूबा नजर आएगा। राजा राम की नगरी के कण कण में भक्ति बह रही है। यहां की आबो हवा में राम नाम गूंज रहा है। अयोध्या को अयोध्या से अयोध्या धाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
फिर वो चौक चौराहा हो या फिर यहाँ के मंदिर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामलला के स्वागत की तैयारी ही दिखाई दे रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने राम का स्वागत करना चाहता है। कोई उनके दीदार करने भर से ही धन्य होना चाहता है, तो कोई उनकी सेवा में जीवन समर्पित करना चाहता है। इसीलिए हर कोई राम के काम में सहयोग कर रहा है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा घनश्याम। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजित अक्षत को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है। इस पूजित अक्षत को 15 जनवरी तक घर घर पहुंचाना है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन पूजित अक्षतों को 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। अक्षत बांटने का काम देश भर में 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। पूजित अक्षत जिसमें चावल, हल्दी और घी का मिश्रण है, उसके साथ ही लोगों को राम मंदिर का चित्र और मंदिर के ढांचे का ब्यौरा देने वाले पर्चे बांटे जा रहे हैं। मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। पूजित अक्षत को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ अयोध्या को ही 16 क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र की कमान अलग अलग लोगों को दी गई है, जिससे अयोध्या के एक एक घर तक पूजित अक्षत पहुंचाया जा सके। इसी तरह देश के कोने कोने तक अयोध्या के पूजित अक्षतों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक 5 करोड़ घरों से ज्यादा घरों तक पूजित अक्षत पहुँचाया जा सके। इसको जो है पूरे महानगर को 16 नगरों में बांटा गया है और ये 16 नगरों में क्रमवार ये यात्रा चलेगी। अक्षत पूजित वितरण कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में बांटी जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन बांटा जाएगा अक्षत वितरण कार्यक्रम, इसी प्रकार से आयोजित किया जाएगा। ये 14 तारीख तक यात्रा लगी। 14 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? 14 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम का प्रकटोत्सव है और उस दिन पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार रामलला की स्थापना हुई थी अयोध्या के मंदिर में। तो 14 तारीख तक यात्रा यहाँ पर चलेगी, लेकिन ये पूरा माहौल आप देखिए, एक विहंगम दृश्य है जिसके हम और आप ये भागीदार बन रहे हैं। और ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, बावजूद इसके यहाँ के लोग जो है वो जरा भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, इसीलिए अक्षत बांटने के अभियान के दौरान लोगों से ये भी गुजारिश की जा रही है कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने पड़ोस के मंदिरों में जाएं और वहां भगवान राम के लौटने का जश्न मनाएं। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट करने की योजना भी बना रही है। इसके अलावा पीएम मोदी भी कुछ दिन पहले 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन को दीपावली के रूप में मनाने की अपील कर चुके हैं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए।
500 सालों के इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे तो हर कोई चाहेगा कि उस पल को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर लें। लेकिन अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ को रोकने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने 22 जनवरी को लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पड़ोस के मंदिरों में पहुंचने की अपील की और वहीं पर दिया जलाकर इस ऐतिहासिक दिन को जश्न मनाने को कहा है। मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी अनुमान है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1,00,000 से ज्यादा राम भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंचेगी, जिसको संभालने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन के कंधों पर होगी, जिसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हर राम भक्त को सुविधाओं का लाभ मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी है और तय किया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले हर राम भक्त को छत और भोजन जरूर मिले। इसके लिए अयोध्या में पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर पहुंचने वाले सभी राम भक्तों के लिए कई जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है और अयोध्या में करीब 40 जगहों पर भोजनालय बनाए गए हैं और इन भोजनालयों के लिए देश के कई जगहों से राम भक्तों ने राशन पहुंचाया है। अयोध्या में श्री राम तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए केंद्रीय भंडारण से इन भोजनालयों में राशन पहुंचाए जाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था। देश के कोने कोने से भेजा जा रहा है अनाज। अयोध्या में 40 जगहों पर चल रहा है भोजनालय। भगवान राम के ननिहाल से चावल, असम से पहुंची चाय की खेप, राजस्थान से भेजा गया तेल। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार में लगातार अनाज की बड़ी खेप पहुंच रही है ताकि किसी भी राम भक्त को भोजन की समस्या ना हो, इसलिए केंद्रीय भंडार में अनाज, फल, सब्जी सभी सामान देश के कोने कोने से भेजे जा रहे हैं। कोई भूखा न रहे, सबको छत मिले और सबको बेहतरीन आतिथ्य का अवसर मिले, ये जो पूरा प्लान तैयार किया है रामलला की जो मूर्ति का प्रतिष्ठान कार्यक्रम है उससे पहले जितने भी भक्तगण आएंगे यहाँ पे, जितने वॉलेंटियर्स आएंगे उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और कैसे हो रही है व्यवस्था, न्यूज 18 इंडिया पर ये खास रिपोर्ट देखिए। देखिए देश के कोने कोने से खाना बनाने से संबंधित जो भी सामग्री है वो आ रही है और इस तरीके के वाहनों में वो लाई जा रही है। देखिए यहां अगर हम ये तस्वीर देखेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गोयल वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड कसार कोटा राजस्थान के द्वारा खाद्य तेल की सेवा, मतलब कि राजस्थान से यह खाद्य तेल आ रहा है और उसके बाद इसको यहां पर इसका भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद इसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और वह खाना वॉलेंटियर्स को मिलेगा, अतिथियों को मिलेगा। और कैसे यह पूरी भंडारण सेवा काम कर रही है हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए ये राजस्थान से आया हुआ तेल है, ये कोटा से आया है, अब इसको जो ट्रक के जो ट्रक में आया हुआ टीम को उतारा जा रहा है और टीम को उतारने के बाद यहां पर इसका ये पूरा भंडारण किया जा रहा है। देखिए ये पूरी ये तस्वीरें देखिए न्यूज 18 इंडिया पर, ये खास तस्वीरें हैं। इस तरीके से देश के कोने कोने से खाना बनाने का सामान आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक मसाले, चीनी, चाय पत्ती, देसी घी और खाद्य सामग्री की बड़ी खेप राम भक्तों द्वारा अलग अलग जिलों और राज्यों से भेजी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद यहां आने वाले राम भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा। देश भर से कोने कोने से संग्रह होके यह अन्नदान के लिए वो सब आ रहा है। अयोध्या आने वाले कोई भक्त भूखा न रहे इसके लिए
11 भंडारा चलाया जाएगा और 11 भंडार सारा भंडार कोई केंद्रीय भंडार से सामान जाएगा, राशन सामान सारा सब सब चीज यहाँ मौजूद रहेगा और खाने पीने के लिए जितना भी सामान है यही भंडार में मौजूद रहेगा और ये सारा जो इसके नीचे जो 11 भंडार चलेगा उसको सामान जाएगा। ये बताइए ये तेल कहाँ से आ रहा है इसके बारे में? राजस्थान कोटा से। इसके बारे में बताइए कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे संपर्क हुआ, कैसे आ रहा है, पूरा बताइए। संपर्क तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट किए, वो अपील किए, अपील किए तो दान में दिए हैं और कई लोग मिल के एक मील से उठा के दिए हैं, लेकिन कई लोग इसमें सहयोगी है, सहभागी है और ये तो कई जगह एक एक फैक्ट्री से आता है। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार से ही अयोध्या के अलग अलग भोजनालय में सामान भेजा जाता है। जहां जितनी जरूरत होती है वहां की रसोई में इसी जगह से सारा सामान भेजा जाता है। ये केंद्रीय भंडारण से जो हमारे 5 ऐसे भोजनालय चल रहे हैं वर्तमान समय में, तो जहां पर जो आवश्यकता होती है, मांग आती है, तो उसको हम वहां भेजते हैं। अभी आप इसमें क्या नोट करेंगे जरा बताइए? अभी अपना तेल है, रिफाइंड है, शक्कर है, गुड़ है, दाल तीनों प्रकार की, चने की, उड़द की, मूंग की, और घी है, चावल हैं, इधर अदरक है, जो जो आवश्यकता उनकी होती है उनको नोट करके उनके यहाँ भेजते हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, इसलिए अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ बेहिसाब बढ़ती जा रही है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अन्न दान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री मंगाई जा रही है। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से करीब 3000 क्विंटल बासमती चावल अयोध्या लाया गया। इसके अलावा गोंडा से करीब 50,000 किलो शक्कर भी पहुंच चुकी है। राजस्थान से खाद्य तेल के साथ ही 2600 किलो गुड़ का भंडार भी पहुंच चुका है। ये बताइए अभी इस भंडार व्यवस्था में क्या क्या ये रखा गया है? अभी छत्तीसगढ़ से और 10 ट्रक चावल आ चुका है, जो उन्होंने बैनर बना करके भेजा है कि राम के ननिहाल से ये चावल भेज रहे हैं। अभी ये राजस्थान से एक ट्रक सरसों का तेल आया है और शक्कर 2 ट्रक पूरी आ चुकी है जो गोंडा से आई है। ऐसे बेसन है, राजमा है, सभी प्रकार के मसाला, ये जो राजेश मसाला वाले हैं ये आपके अमेठी से कल ही आया है। अयोध्या के केंद्रीय भंडारण में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सब्जियां भी राम भक्तों की तरफ से भेजी जा रही हैं। असम से ये चाय भी भेजी गई है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जी भी, कद्दू, गाजर और अदरक इस तरीके की सब्जी हैं। इनका भी क्या भंडारण हो रहा है? हाँ, ये भी कच्चा माल है, ये यहीं से आ रहा है आपके अयोध्या से, और जहाँ जरूरत होती है तो उसको तुरंत भेज रहे हैं। भंडारण इसका ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी खराब होने की चीज है। और इधर आपकी असम की चाय है और अदरक है, चेली पत्ता है, दालचीनी है, ये सब असम से आया है। देश के कोने कोने से, चाहे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, असम, देखिए दूर दूर से ये आ रहा है। और ये खास तस्वीरें भंडारण के लिए, आतिथ्य के लिए, अतिथि पूरी तरीके से हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये भंडारण की ऐसी व्यवस्था की गई है। अयोध्या के इसी केंद्रीय भंडारण से राम नगरी में चल रहे कई भोजनालयों में अनाज और सब्जियां भेजी जाती हैं। मौजूदा समय में भी अयोध्या में कई जगहों पर रसोई घर चल रहे हैं जिनमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में जुटे लोगों के साथ ही राम सेवा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाया जा रहा है।